नमस्कार, मैं कैपिटल वन स्टूडियो से राजेश कपूर आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। हालांकि ये बिज़नेस वीक है और बिज़नेस वीक के अंदर हम लोग एंटरप्रेन्योर्स को बुलाते हैं उनके नए विचारों को जानने के लिए, और उनके विचारों से, उनकी उपलब्धियों से आप लोगों को एक प्रेरणा मिले, इसके लिए हम लोग उनको यहाँ स्टूडियोज़ में बुलाकर उनके इंटरव्यू लेते हैं। पर हम लोगों ने इस बार एक स्कूल को आमंत्रित किया जो कि एक ऐसा बेहतरीन स्कूल जिसको एक पहचान है जिनकी, कि कुछ ना कुछ अलग करते ही रहते हैं। स्कूल्स को चुनने का क्राइटेरिया जो है वो हमारी क्रिएटिव टीम लेती है, और वो इस बेसिस पे लेती है कि अगर उसके अंदर कुछ बहुत ही नायाब हो रहा हो, कुछ ऐसा हो रहा हो जिससे पेरेंट्स भी प्रेरित हों और स्टूडेंट्स भी प्रेरित हों, तो हम लोग इस चैनल के ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनको यहाँ बुला के शोकेस करते हैं। सो आज हमारे साथ दरबारी लाल फाउंडेशन पब्लिक स्कूल के चेयरमैन श्री राकेश खुल्लर जी मौजूद हैं। हम लोग इनसे ये जानेंगे कि इनका स्कूल इतना डिफरेंट कैसे है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो टैगलाइन है उसमें लिखा हुआ है स्कूल विद अ डिफरेंस, स्कूल विद अ सोल। तो आइए ये टैगलाइन का मतलब समझते हैं राकेश खुल्लर जी से। खुल्लर साहब, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियोज़ में। आपको यहाँ कैसा लग रहा है, महसूस कैसा हो रहा है? नमस्कार राजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया आपके अपने कैपिटल वन चैनल में, स्टूडियो में आमंत्रित किया। और अभी आपने कहा कि लोगों को मुझसे प्रेरणा मिल सके, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे स्कूल खोलने की प्रेरणा अपने पिताजी से मिली। जी, पिताजी जो मेरे हैं दरबारी लाल जी, जिनके नाम से मैंने ये सोसाइटी बनाई है, दैट इज़ दरबारी लाल फाउंडेशन। पिताजी के बारे में आपको बता दूं पहले कि जो इस हमारे सोसाइटी के पीछे हैं, दरबारी लाल जी जो नाम है, मुझे नहीं लगता कि पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में कोई भी आदमी जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो ना जानता हो। दरबारी लाल जी ने अपने लाइफ के 45 ईयर्स लगा दिए हैं एजुकेशन लाइन में ही। डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी को इन्होंने ज्वाइन किया था जी 1945 में, और उसके बाद उन्होंने वहाँ से ग्रो कर करके वहाँ से रिटायर हुए ये 1995 में एज ए ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, और उसके इमीडिएटली बाद प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए डीवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के। अपने इस ड्यूरेशन में 45-50 ईयर्स की ड्यूरेशन में इन्होंने पहला पब्लिक स्कूल खोला जी, जो है हंसराज मॉडल स्कूल पंजाईबाग। और इसी पूरे पीरियड में कोई 500 इंस्टीट्यूशंस खोले अपनी लाइफ टाइम में, जिसमें पब्लिक स्कूल्स हैं मेनली, इंजीनियरिंग कॉलेज, डेंटल कॉलेज, फार्मेसी, पॉलिटेक्निक, पूरे इंडिया में पूरा फैलाया अपने आप को, बल्कि इंडिया से बाहर भी कई इंस्टीट्यूशंस खोले इन्होंने। तो 1995 में जब इनकी डेथ हुई तो उसके बाद हमने ये सोसाइटी बनाई दरबारी लाल फाउंडेशन, ओके, जिसका पहला इंस्टीट्यूशन है ये DLF पब्लिक स्कूल जी, DLF इज़ दरबारी लाल फाउंडेशन। सर, मैं जानता हूँ कि जिस समय आपने ये स्कूल वहाँ पे शुरू किया था, उस समय कुछ ज़्यादा स्कूल्स वहाँ पर इस स्केल के, इतने बड़े स्कूल्स वहाँ पे थे नहीं, तो काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे शुरू में। हाँ, 1996 में जहाँ हमारा ये स्कूल है, इसके सामने ही स्कूल है जो मेरे फादर ने शुरू किया था। अच्छा। हम दोनों स्कूल आमने सामने रोड के, एक तरफ DAV स्कूल है और दूसरी तरफ हमारा DLF पब्लिक स्कूल है। तो उस टाइम तो खैर चैलेंजेस स्कूल लेवल के नहीं थे, लेकिन ये है कि वहाँ पे एरिया वाइज या नेचुरल इस टाइप के जो बीइंग अ एरिया ऑफ द UP, उसकी वजह से चैलेंजेस थे। आजकल के चैलेंजेस, अगर मैं नया स्कूल खोलूँ तो चैलेंजेस आते हैं कंपटीशन के, उस टाइम इतने स्कूल नहीं हुआ करते वहाँ पे, लेकिन टाइम के साथ साथ काफ़ी स्कूल आए, ग्रो किए। लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे मुझे अभी भी याद है, जब मैं स्कूल अभी शुरू कर रहा था तो घर से मुझे इंस्ट्रक्शन होती थी कि 5 बजे के बाद नहीं रुकना, जल्दी आ जाना, यूपी का एरिया है, गाजीबाद का एरिया है, थोड़ा उस टाइम पे पुरानी बात है कि थोड़ा घर वाले घबराते थे कि जैसे वारदातें सुनते थे कि कोई मतलब किसी को चाकू मार दिया, कुछ कर दिया, तो मुझे स्ट्रिक्ट जो है 4-5 बजे मुझे फ़ोन आने शुरू हो जाते थे कि नहीं जल्दी आ जाओ, बस छोड़ दो, कल कर लेना। तो उस हालात में और आज के हालात में बहुत फ़र्क है। तो लेकिन फिर भी स्कूल विद अ डिफरेंस और स्कूल विद अ सोल, ये एक सोच है जो कि आई थिंक जब से ये एस्टैब्लिश हुआ होगा एस्टैब्लिशमेंट, तभी से ये सोच होगी। हाँ, हमने 1996 में शुरू किया था स्कूल ये, तो तभी
जैसे कहा कि फादर एजुकेशन लाइन में थे, तो मेरा इंटरेस्ट तो नहीं था खैर इस लाइन में। इंटरेस्ट क्या था, मतलब मैं खुद एक प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। 1986 में मैंने क्वालिफाई किया था एज ए सी ए और 2000 तक मैं सी ए प्रैक्टिस में रहा। 96 में जब हमने स्कूल शुरू किया तो मुझे लगा कि अब मुझे और टाइम देना चाहिए स्कूल को, सफ़र कर रहा था, तो मैंने अपना सी ए का सर्टिफिकेट प्रैक्टिस जो है वो सरेंडर करके पूरा फुल टाइम मैं भी स्कूल में आ गया। दैट्स वेरी नाइस। तो उसके बाद फिर आपने जो कहा कि जो हमारी टैग लाइन है स्कूल की, स्कूल वॉज अ डिफरेंस, स्कूल द सोल, तो ये हमेशा शुरू से ही रहा है कि हर आदमी में होता है कि कुछ डिफरेंट चले, लाइन से हट के चले, क्योंकि अगर आपने लॉन्ग रन में कुछ करना सोचना है तो आपको कुछ हट के करना पड़ेगा जी। तो 1996 में हमने स्कूल शुरू किया था, तो हम हट के इसलिए थे कि हमारे पास जो हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी है जो CBSE ने आज 4-5 साल पहले पकड़ी, हम तब की थी। हमने जब स्कूल शुरू किया था फर्स्ट ईयर में, हमारा स्कूल था प्री नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक, तो पहले साल से ही जो हमारा है, जो पूरी टीचिंग, जो हमारा पैनल है, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, हम लोग बैठ के जब करते थे कि क्या क्या किया जाए, तो उस पर हमने था कि हम 5th क्लास तक बच्चों का कोई एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। अच्छा। हमें बड़ा विरोध आया पेरेंट्स से भी, कैसे कैसे आप एग्जामिनेशन ही नहीं लेंगे, तो ऐसे तो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, वो तो कुछ काम ही नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हमने कहा नहीं, एग्जामिनेशन नियम करेंगे, उससे ये होगा कि आज अगर पेरेंट बच्चों को पता है कि कल मेरा एग्ज़ाम है तो वो तैयारी करके आएगा, पढ़ के आएगा, रट्टा लगा के आएगा। तो हम क्या करते हैं, हमने कंसेप्ट शुरू किया सरप्राइज टेस्ट का, मतलब हम ये नहीं कि ईयर एंड में एग्ज़ाम नहीं रखेंगे, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर हर महीने में एक या दो दिन एग्ज़ाम होगा, कब होगा ये नहीं पता, कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है जी, सरप्राइज रखेंगे और बच्चे को भी पता होगा एग्ज़ाम है, और उस टाइम जो करेगा जी वो उसका पर्पज़ क्या होगा कि बच्चे में एक तो रट्टा निकल के आएगा और क्रिएटिविटी बढ़ेगी उसकी। आज अगर कोई इंग्लिश का एग्ज़ाम है, इसको ऐसे आ गया, तो जो उसके दिमाग में उस टाइम आएगा सोचेगा उसको वर्ड्स में डालने की कोशिश करेगा, ठीक है शुरू में तकलीफ भी होगी लेकिन धीरे धीरे डेवलप होगी एक टेक्निक। तो ये चीज़ हमने शुरू की। उसके अलावा बहुत से पॉइंट्स हैं, जो ऐसे पॉइंट हैं जो मुझे लिख के लाने पड़े क्योंकि मेरा याद रखना बड़ा मुश्किल है। याद दिलाने के लिए हाँ जी। जैसे हम लोगों ने भी आपके आपको बुलाने से पहले और हमारी क्रिएटिव टीम ने जिस तरीके से सबमिट किया हमारे को, तो कुछ पॉइंट्स हमारे पास हैं, जैसे कि जैसे आप बर्थडे का जब सेलिब्रेशन करते हैं अपने बच्चों का, तो हवन कराते हैं, तो मतलब आपने ज़रूर हटके सोचा, लेकिन हटके भी आपने अपनी जो जड़ें हैं उनके साथ जुड़ना ही ज़्यादा पसंद किया। मैंने ये देखा, ये नोट किया, ये बहुत एक नोट करने वाला पॉइंट था। और इसके अंदर आप जैसे आप इसके बारे में कुछ और ऐड भी कीजिए, बल्कि सेलिब्रेशंस जो हैं हवन के ज़रिए होती हैं, यहाँ तक तो मैंने अपने दर्शकों को बताया ही है अभी अभी, इसके अलावा शायद कुछ थीम पार्टीज़ भी आप लोग करते हैं, तो क्या उसके अंदर करते हैं? हमारा बर्थडे जो सेलिब्रेशन हैं, ये भी हमने हटके इसलिए किया है, कहीं की भी स्कूल में आपने पहले देखी नहीं होंगी, क्योंकि हमने इसमें एक तो पहले धर्म को अलग रखा, ये नहीं है कोई कहीं नहीं कह सकता कि नहीं जो आप हिंदू धर्म को लेकर चल रहे हैं या मुस्लिम धर्म को लेकर चल रहे हैं उनको लेकर चल रहे हैं। एक हवन है, हवन एक जनरल एक्टिविटी है जो एक तरह से कहते हैं कि वातावरण को शुद्धिकरण के लिए किया जाता जी, है जी, जी। तो उसमें हमारे पास सभी धर्म के बच्चे आते हैं और सभी के लिए उस हवन में पार्टिसिपेट करते हैं जी। तो हम हवन का ये कि डेली तो नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम लगता है, तो हम एक महीने में एक दिन हवन रखते हैं और उस महीने में जिन जिन बच्चों का जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है, वो उसमें यजमान बनते हैं, उसमें आहुति डालते हैं और पूरा मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, मंत्र को उच्चारण करते हैं, और बाकी के जितने बच्चे हैं वो एज ए गेस्ट वहाँ के आगे बैठते हैं। ये तो एक हवन का हो गया। इसके बाद सभी बच्चे क्या है, अब तो खैर आदत है, सभी को इंस्ट्रक्शन भी हैं या जो भी हैं, उसमें क्या है कि बच्चे अपने घर से स्वीट्स लाते हैं। हर बच्चे को इंस्ट्रक्शन है कि सिर्फ अपने घर से टॉफ़ीज़ लेके आएंगे। होता क्या है कि हम बड़ी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अब बच्चे जब पहले हम कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी, तो कोई बच्चा चॉकलेट्स लेके आ रहा है, कोई बच्चा गिफ्ट लेके आ रहा है, कोई बच्चा खाली टॉफीज ला रहा है जी। तो उनमें बड़ा एक भेदभाव भेदभाव आ जाता है जी, वो जी। घर में जाकर कहेगा नहीं मैं टॉफी नहीं लेके जाऊंगा, वो तो उस मेरे दोस्त ने चॉकलेट दी थी, उसने गिफ्ट दी, भाई वही दूंगा। तो हमने स्ट्रिक्टली कह रखा हर बच्चे को सिर्फ टॉफीज देनी और कुछ नहीं देगा। ये बहुत बढ़िया, बहुत इंस्ट्रक्शन है इसके। उससे पहले क्या है, एक बहुत जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब टॉफीज बांटते हैं तो हर बच्चे को कहना है, हमारे यहाँ पे अब तो बताऊँगा बाद में कि हमारे यहाँ पे कुछ 20-25 बच्चे हैं जो लेस प्रिविलेज सोसाइटी के हैं, जिनको हम फ्री एजुकेशन देते हैं
जी वो आके अलग से उनकी क्लास रखते हैं। तो अपना जितने भी स्वीट्स हैं पहले वो शेयर करेंगे उन बच्चों के साथ, उसके बाद अपने दोस्तों में बाकी क्लासमेट्स में आके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक ये हो गया, ये तो हो गया हर बच्चे के लिए। और जो छोटे बच्चे हैं बिल्कुल जो अवन में अभी जिनको जनरली हम अवॉइड करते हैं प्री नर्सरी नर्सरी के जी वालों के ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए, तो उनको हम पार्टी हमारे प्ले रूम बना रखे हैं उसमें दे थीम पार्टीज लोग करते हैं। थीम पार्टीज मीन्स कभी जैसे रेड कलर डे कर दिया कि उस दिन सभी के सभी रेड कपड़े पहन के आएंगे पार्टिसिपेट करेंगे, या कुछ पर्टिकुलर खाने पीने की चीज़ में कर दिया कि आज ग्रीन कलर की चीज़ सब लेके आएंगे, या आज कोई भी एक थीम नेता उसका जो आपके नेता हैं भारतीय नेता उनका थीम पार्टी कर दी उस हिसाब से कपड़े पहन। इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट थीम्स हैं जो डिफरेंट जो हमारी क्रिएटिव टीम है जो टीचर्स की वो सिलेक्ट करते डिसाइड करते हैं कौन सी थीम पार्टी, उस हिसाब से वो थीम पार्टीज कहते हैं। राइट सर, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो कि जानने लायक हैं, दर्शकों को तो जानने लायक हैं ही, पर इससे पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही हैं। जैसे आपने लिखा है कि इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग आप प्रेरित करते हैं बच्चों को कि एक अपना एक सेल्फ रिलायंट एक ह्यूमन बीइंग के शेप में वो निकल के आए, ये किस तरीके से अचीव करते हैं सर? ये आज आपने अगर कभी देखा हो तो लोग कहते हैं कि पुराने टाइम में लोग कहते थे कि अपने बच्चों को एक बार आप हॉस्टल में ज़रूर डालें। जी जी जी। उसका क्या रीज़न होता था कि वो जब एक साल के बाद बच्चा रह के जब हॉस्टल में वापस आता था तो पेरेंट्स ऑब्जर्व करते थे कि बच्चा काफ़ी इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गया। जी मीन्स होता क्या था, एक बच्चा जो शुरू में घर पर रहा है अपने माँ बाप के साथ में तो डिपेंडेंट हो जाता अपने माँ बाप पर कि आज नाश्ता करना है, अच्छा मम्मी पूछेंगे तो ये नाश्ता करेंगे, फादर पूछेंगे काम कर लिया ऐसा करना है तब करना है। हमारा एम है कि बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाए। इंडिपेंडेंट मीन्स के कुछ जो भी काम करना है उसको बिना किसी के डिपेंडेंट किसी पर डिपेंडेंट हुए वो अपना काम खुद करे। तो एक हमारा एम है कि हर जो भी हमारा जो स्टूडेंट है उसको हम एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग क्रिएट करें। ओके सो इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि मैं आपको इसके ऊपर चर्चा तो घंटों ही घंटों हो सकती है, लेकिन फिर भी ये इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं जो इस स्कूल को दूसरे स्कूल से बिल्कुल अलग हट के खड़ा कर देती हैं। जैसे इसमें सोसाइटी को हम लोग उतना ही सोसाइटी में योगदान करें जितना कि हम सोसाइटी से बेनिफिट उठाते हैं, तो ये एक मॉडल जो है बच्चे के अंदर शुरुआत से डाला जाता है। उसके बाद मैं गोल्ड अवार्ड्स के बारे में सर से भी पूछूंगा, लेकिन जो मैं खुद से समझ कर यहाँ पर आपको बता सकता हूँ वो बता रहा हूँ। इसके अंदर जो स्टूडेंट टीचर रेशो है वो बहुत मिनिमम है, हर 18 बच्चों के पीछे एक टीचर की व्यवस्था इस स्कूल के अंदर करी गई है। इसके अलावा जो हैं वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि रिकग्निशन डे, इसके लिए हम सर के पास ही जाते हैं। खुल्लर साहब, ये जो आपने गिव माई बेस्ट गोल्ड अवार्ड पहली चीज़, और इसके अलावा रिकग्निशन डे, जो इन दो चीज़ों के बारे में सर बताइए। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपने दो बातें छेड़ी हैं कि स्टूडेंट टीचर रेशो और गिव माई बेस्ट अवार्ड गोल्ड अवार्ड तो है ही है, इसका हमारा मेन एम का हमारा जो सोसाइटी का जो हमारे स्कूल का मेन एम है दैट इज़ क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। ओके, वी डोंट गो आफ्टर द क्वांटिटी। आज हमारे पिछले 5 साल से हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 2600 है, 2600 हमने क्रॉस नहीं किया। हाँ, ये बात सर हमने भी नोट की, इसीलिए कि हम क्वालिटी दे सके नॉट क्वांटिटी। उसके लिए क्या है, एक तो टीचर रेशो, हम जो टीचर स्टूडेंट रेशो है दैट इज 18:1, मीन्स हर 18 बच्चों के पीछे एक टीचर है हमारे पास, जो कि बहुत कम है रादर बाकी स्कूल में आप देखेंगे तो रेशो बहुत हाई साइड पर होती हैं। उसके अलावा जो आपका है टोटल ओवरऑल स्ट्रेंथ हमने 2600 की रखी हुई है स्टूडेंट, और ईच सेक्शन वाइज जो हमारा अगर आप स्ट्रेंथ देखेंगे एक क्लास में प्री नर्सरी नर्सरी टू केजी में यू वोंट फाइंड मोर देन 25 स्टूडेंट्स इन वन सेक्शन। अच्छा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और क्लास वन ऑनवर्ड यू वोंट फाइंड मोर देन 30 स्टूडेंट्स, तो 25 से 30 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ हमारी हर क्लास में रहती है, 30 को हम क्रॉस नहीं करते कभी भी। जब तक 40 और 45 के बीच में आजकल आम एक स्टैंडर्ड के 40 तो CBSE भी कहती है कि आप 40 स्टूडेंट तक रख सकते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर 20 25 25 30 से ज़्यादा करेंगे तो आप जो हमारी अप्रोच है चाइल्ड सेंटर्ड जो अप्रोच है वो नहीं कर पाएंगे, एक एक स्टूडेंट को हम अलग से अटेंशन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब प्रेमिसेस को हम लोगों ने विजिट किया सर तो हमने देखा कि स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपके पास सभी व्यवस्थाएं पूरी हैं,
आप चाहें तो 4,000 तक भी अपनी स्ट्रेंथ को ले जा सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आपने उनको। हमारे पास 5 एकड़ लैंड है जी, 5 एकड़ कम नहीं होती है। दिल्ली में बहुत कम स्कूल हैं जिनके पास 5 एकड़ या उससे ज़्यादा लैंड है, बल्कि यहाँ तो 1,000 या 2,000 गज में भी स्कूल चल रहे हैं, जहाँ पे आप सुनिए 2,000 गज में या 1 एकड़ स्कूल में कितनी को आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे, कितनी फैसिलिटीज दे देंगे। एक स्कूल, यू कैन नॉट कॉल दैट स्कूल अ फुल फ्लेज स्कूल, ठीक, खाली एजुकेशन दे रहे हैं लेकिन ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी वहाँ बच्चों को। जी बिल्कुल। और सर इसके अलावा जो अभी मैंने आपसे जिक्र किया रिकग्निशन डे के बारे में और गोल्ड अवार्ड्स के बारे में कुछ बताइए सर। गोल्ड अवार्ड क्या है जी हमारे पास? हमारा एक तो है बच्चों को, हम कहते हैं ना कि स्टूडेंट शुड बी अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके लिए क्या है कि आज हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने भी अब बहुत मुद्दा उठाया है कि जो आज से आज हमारे अगर 50-60 साल हो गए इंडिपेंडेंस को, तो ये मुद्दा बहुत पहले उठ जाना चाहिए था कि साफ़ सफाई का। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, चाहे साफ़ सफाई हो या एटिकेट्स हो या बच्चों में जो होनी चाहिए। उसके लिए हमने कुछ टीचर्स, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, मायसेल्फ एक तरह का पैनल बनाया हुआ है कि हम किसी बच्चे को भी कोई भी एक अच्छा कार्य करते हुए देखें उसके लिए हम उसको अवार्ड करते हैं। अच्छा, उसको नहीं, उसकी क्लास को करते हैं। अच्छा, हमने पूरे स्कूल में डिफरेंट पोजीशंस पे एक बोर्ड लगा रखा है, अचीवमेंट बोर्ड, उस पर हर क्लास और सेक्शन का नाम है। और जब बच्चे को हम देखते हैं कि चाहे कोई बच्चा चलते हुए देखा उसे किसी का रैपर पड़ा हुआ है नीचे, वो उठा के डस्टबिन में डाल दिया, हमें अच्छा लगा, या प्रिंसिपल को किसी जिसने भी देखा अच्छा लगा तो उसे पूछा नाम और किस क्लास का है, तो उस क्लास के सामने जाकर उसने उसको स्टार लगा दिया। अच्छा, तो ईयर एंड के बाद जब हमारा एनुअल फंक्शन होता है, जिस क्लास में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्स मिले होते हैं उसको हम पूरी क्लास के ऊपर बुला के अवार्ड करते हैं, उसको बेस्ट अवार्ड देते हैं। अच्छा, इससे क्या है कि बच्चों में एक एंथुसिएज्म आता है, सब कुछ आता है कि नहीं मैं अभी कुछ अच्छा करूँ। जी, ऐसे बहुत से हमारे बेसिस हैं जो हमने बता रखे हैं बच्चों को, तो शायद इसी को आप रिकग्निशन डे कहते हैं। अब रिकग्निशन डे जो हमारा अलग है, वो करते तो रिकग्निशन डे में ही है, लेकिन रिकग्निशन डे की हमारी स्पेशलिटी क्या है, हमारे स्कूल में जैसे आपको बताया कि 2600 बच्चा है आज की डेट में, और जो प्री नर्सरी से लेके सेकंड क्लास के बच्चों का जो फंक्शन का है उनको हम कहते हैं रिकग्निशन डे। अच्छा, उसमें खासियत क्या है कि हमारे रिकग्निशन डे में इट इज़ कंपल्सरी टू पार्टिसिपेट ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास। बहुत ओकेजनली है या ऑन जस्ट स्पेशल सर्कमस्टांसिस, चाहे हेल्थ वाइज जो भी है, अगर वो नहीं कर सकता तो उसको अलाउ है ना पार्टिसिपेट करें, अदरवाइज वी सी के ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड पार्टिसिपेट इन दैट रिकग्निशन डे। और उसके अलावा जो हम अवार्ड देते हैं हर बच्चे को, इट इज़ नॉट दैट कि आप एक क्लास में से या एक सेक्शन में से खाली फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजिशन वाले बच्चों को ही अवार्ड करते हैं। हम हर बच्चे को स्टेज पर बुला के उसकी अपनी जो पर्सनल कैपेबिलिटीज़ हैं, उनकी जो स्पेशलिटीज़ हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उसको रिकॉग्नाइज करके उस नाम से उसको अवार्ड देते हैं हर बच्चे, ताकि किसी बच्चे को ये ना हो कि मेरे फ्रेंड दोस्त को अवार्ड मिला मुझे नहीं मिला। एक पर्सनलाइज टच भी आ जाता है, बच्चा कहता है कि हाँ मेरी कुछ क्वालिटीज़ को इन्होंने पसंद करी हैं, क्योंकि आप ये समझते हो कि हर बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी है। जी जरूर, अगर आप किसी क्वालिटी अगर हम नहीं पहचान पाए तो बच्चे का कसूर नहीं है, टीचर का कसूर है या स्कूल का कसूर है। बिल्कुल, तो छोटे बच्चे को क्या पता क्या करना है क्या नहीं करना, वो तो हमने बताना है उसकी क्वालिटी, उसकी हॉटलिस्ट करके हमें बताया, उसको रिकग्नाइज करके देना है, ताकि आगे उसको करियर में भी अपने बढ़ने के लिए उसको आसानी रहेगी कम से कम। इसके अलावा एक और बड़ी यूनिक चीज़ है मैं आपको जो बताऊँ, हमारे स्कूल में जो होती है वो है मेडिटेशन। मैं उसी पे आ रहा था, मैं यही कहने वाला था कि जो स्कूल जो है जिसका दिन एक मेडिटेशन से शुरू होता हो और ख़त्म मेडिटेशन पे होता हो, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि उसकी अचीवमेंट्स जो हैं वो रिकग्नाइज ना करी जाएँ इंटरनेशनली भी। तो मैंने जब हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स बनाए आपके लिए, तो इसके अंदर हमने देखा कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर इंटरनेशनली भी आपको जो है काफ़ी प्लेटफॉर्म्स शेयर करने को मिले हैं, तो उनके बारे में सर जाना चाहेंगे हम लोग। मेडिटेशन तो जैसे आपने बता ही दिया कि हमारा जो हर बच्चे का जो दिन शुरू होता है मेडिटेशन से होता है, और दिन ख़त्म भी होता है मेडिटेशन से होता है। जी जी, तो आपको पता है हेल्थ के साथ साथ, फिजिकल के साथ साथ मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर मेंटली अगर ठीक रहेगा आदमी बच्चा, तो शायद अपनी कैपेबिलिटी से बढ़ के काम करेगा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो इसके अंदर सर अब जैसे आपका जो इंटरनेशनल में आपकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर तो मैं एक बार वापस फिर से आपको लेकर आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो आपकी इंटरनेशनल उपलब्धियाँ हैं उनको ज़रूर हाईलाइट करना चाहता हूँ। इंटरनेशनल उपलब्धियाँ मैं आपको बताता हूँ कि हमारे एक तो जो खासियत है कि हमारे पास जो हमें पिछले 2015 में ही 14-15 में
हमारे इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूशन को एशिया टॉप 100 फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन का अवार्ड मिला था, जो कि हेड हुआ था सिंगापुर में। ओके, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन WCERC जिन्होंने हमें किया था। इस अवार्ड का क्या था हमें भी नहीं पता था कि मिलना है। ये इन्होंने खुद एक जो कंसल्टेंट कंपनी है अर्नस्ट यंग, उनको कहा था करने के लिए, उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए। पूरे इंडिया में से 3 या 4 स्कूल थे शायद उनको शॉर्टलिस्ट करके अवार्ड दिया था। और ये अपने आप करते हैं, पूरा सर्वे करके सब कुछ करके जब मिलना होता है तो हमें उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था। उसमें जब लास्ट 100 शॉर्टलिस्ट करते हैं उसमें से फिर आगे फर्दर हमें 4 या 5 इंस्टीट्यूट में शॉर्टलिस्ट करके हमें अवार्ड दिया था। ये वो खुद करते हैं, हमें हमारी तरफ से इसमें ना ही कोई हमारी तरफ से कोई इनके पास पेपर्स गए या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गई या सर्वे किया या जो भी वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन ली कैसे ली ये हमें नहीं पता कैसे किया था। ओके, उसके अलावा हमारी जो इंटरनेशनल जो कनेक्शंस कह दें अचीवमेंट्स हैं कि हमारे नंबर ऑफ एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहे हैं। हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स में भी हम लोग डिफरेंट है, इट इज़ नॉट दैट कि खाली कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहे हैं। हमारे क्या है कि हमारे जो रशिया और ताइवान ये दो कंट्रीज ऐसे जिनके साथ हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहे हैं जिनको हम कहते हैं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जी। उसके अलावा हमारे पास इटली के साथ, इटली के इंस्टीट्यूशन के साथ इंग्लिश लर्निंग एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है। आज भी हमारे स्कूल में इटली से 10 स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो हमारे स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, स्पेशली इंग्लिश सीखने के लिए आए हैं जो, और रह हमारे स्कूल के ही जो बच्चे हैं उनके घर में रह रहे हैं एक करके सभी लोगों के, वो उसके साथ क्या है कि कल्चरल भी सीख रहे हैं, कल्चर एक्सचेंज भी है और साथ ही इंग्लिश भी लर्निंग कर रहे हैं। इंग्लिश लर्निंग का क्या है कि इटली में जो हमें पता कि अभी इंग्लिश का लेवल वो नहीं है जो बाकी कंट्रीज में से इंडिया के अगर कंपेरिजन में करें, आज अगर वो बच्चे 9th या 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो उनका लेवल जो है इंग्लिश का वो हमारे स्कूल के इंडिया के बच्चों के हिसाब से शायद 5th तक का होगा। अच्छा, तो एक महीने के लिए यहाँ रहेंगे, रहे हैं आप 10-15 दिन हो गए हैं, इन्हें 15 दिन और रहेंगे और पूरा इंग्लिश का एक पूरा करके वापस जाएंगे। एक तो इनके साथ ये प्रोग्राम चल रहा है हमारे इटली वालों के साथ, एक हमारा जो ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू स्कॉटलैंड कंट्री है उनके साथ टीचर्स एक्सचेंज प्रोग्राम, स्टाफ एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है। हमारे कुछ 2 या 3 टीचर्स हर साल जाती हैं स्कॉटलैंड में किसी इंस्टीट्यूशन में, वहाँ जाके स्टाफ ट्रेनिंग लेती हैं। ऐसे ही उस साल में वहाँ से स्कॉटलैंड से 2-3 टीचर्स आती हैं हमारे स्कूल में, वो स्टाफ ट्रेनिंग चलती है उनकी भी, ये थ्रू ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू स्कॉटलैंड के साथ है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ग्रांट्स हैं ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू, 1500 ग्रांट्स आती है हमारे कनेक्टिंग क्लासरूम ग्रांट्स के, ये जो हमें पिछले 3 साल में मिली, 2011 में भी, 2014 में भी, 2015 में भी। फिर हमें जी ब्रिटिश काउंसिल ने ही £3,000 दिए हैं अंडर UKRI प्रोजेक्ट है, यूके एंड इंडिया एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट इनिशिएटिव है। एंड ऐसे ही हमारा एक वो बड़ा इंटरेस्टिंग इटली के साथ, इटली के स्कूल के साथ इनका एक बच्चा आता है पूरे 1 साल के लिए हमारे स्कूल में जो हमारे ही किसी स्टूडेंट के घर में रहता है। अच्छा। और हमारा एक बच्चा जाता है वहाँ के स्कूल में जो 9th, 10th या 11th, 12th क्लास के स्टूडेंट के होते हैं, वो पूरा 1 साल हमारा पूरा कोर्स स्टडी करते हैं, ऐसे ही हमारा बच्चा वहाँ जाके स्टडी करता है। अच्छा, ये कुछ ही प्रोग्राम्स हैं जो हमारे तो इंटरनेशनल सर, इसका क्या बेनिफिट बच्चे को मिलता है या स्कूल को मिलता है? सबसे बड़ा बेनिफिट है कि बच्चों को चाहे बाहर से वो इधर आते हैं या हमें एक कल्चरल एक्सचेंज तो हो ही रहा है, एक उनको अच्छा एक्सपोजर मिलता है कि अल्टीमेटली बाहर दुनिया में इंडिया के बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा जी, जो आई थिंक आज की डेट में बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस हिसाब से ग्लोबली आज सारा पूरा सारी कंट्रीज मिलकर एक हो रही हैं, तो एक दूसरे के साथ अगर आज की डेट में आप पहले आज 10-15-20 साल पहले देख लें कितने स्टूडेंट्स यहाँ से इंडिया से बाहर एजुकेशन के लिए जाते थे और आज को अगर कंपेयर करें तो शायद नंबर बहुत ज़्यादा है। तो इस हिसाब से ये एक म्यूचुअल बेनिफिट का एक बहुत जरूरी है। इसके साथ सर मैं आपको अब वापस लेके आना चाहूँगा अपने दर्शकों को, वापस भारत आते हैं सर क्योंकि हमारी उपलब्धियाँ जो हैं वो जो यहाँ पर हैं वो बहुत स्कूल से बेहतर हैं। पहली बात तो ये कि स्कूल के अंदर ही कुछ इस तरह का आपने एटमॉस्फेयर बना रखा है, जैसे एकता पार्क है वहाँ पर एक, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो बच्चे जो हैं वहाँ पर जाते हैं और पेड़ पौधों का ध्यान रखते हैं, शायद आप ट्री प्लांटेशन के ऊपर भी काफ़ी जोर देते हैं और बच्चों से खुद उनकी केयर करवाते हैं जो कि एक कल्चर बिल्कुल ही डिफरेंट बना देता है बच्चे के अंदर, एक भावी अलग से उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा जो एक चीज़ जो आपसे समझना चाहते हैं हम लोग
केयरिंग करेजियस एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये कुछ एक टैगलाइन सी अगेन आप शायद कहीं यूज़ करते हैं अपने बच्चों बिल्कुल, को बिल्कुल. अच्छे सिटीजन्स बनाने के लिए, इसके बारे में कुछ ज़रा खुला के. जैसे आपने बताया कि हमारा जो एम है बच्चों के लिए क्या है, जैसे हमने कहा कि आज की डेट में चाहे जैसे भी देखिए सोसाइटी से हर कोई लेना तो बहुत चाहता है हर कोई, लेकिन जब देने की बारी आती है तो कोई आगे नहीं आता. तो हम बच्चों का हमारा जो मेन एम है कि बच्चों में ये डालें कि यू हैव टू गिव टू द सोसाइटी मोर देन यू हैव टेकन फ्रॉम इट. ओके, मतलब आपने जितना लिया है उससे ज़्यादा आपने सोसाइटी को देना है, ताकि तभी आप जो आज की डेट हमारे जो आप इंडिया को देखें कि जो ठीक है वहाँ से अपने राइट्स तो हर कोई चाहता है कि ठीक है ये तो मेरा धर्म है मैं तो लूँगा, लेकिन जब इंडिया के लिए कुछ करने की बात आती है तो कोई आगे नहीं आता है. तो उसके लिए सिखाने के लिए हमने क्या किया हुआ कि सोशली हम लोग इन्वॉल्व करके रखते हैं अपने बच्चों को. जैसे हमने क्या किया हुआ कि अपने स्कूल के साथ में हमारा एक एरिया है शालीमार गार्डन, वहाँ पे जितने पक्के ही पार्क हैं जिनकी अभी हालात इतनी अच्छी नहीं है, तो हमने ऐसा ही पार्क पकड़ा जिसमें डेवलपमेंट इतनी अच्छी थी नहीं, मतलब ऐसा था कि उसमें वहाँ के जितने भी आसपास के लोग रहते थे उस पार्क में जाते नहीं थे, इतना वहाँ पे आपके स्मेल आती थी या मेंटेन नहीं था या बैठने की जगह नहीं थी. तो उसको पूरा हमने मेंटेन किया, वहाँ पे ट्री प्लांटेशन की प्लांट्स लगाए, वहाँ बेंचेस लगाए हमने, वहाँ पाथ बनाया ताकि लोग आना शुरू करें, सैर करना शुरू करें. और सबसे बड़ी बात है खाली लगाना ही नहीं, बच्चों की ड्यूटी है इनको मेंटेन भी करना जी. हर बच्चे की ड्यूटी होती है कि हर रोज़ में या एक दिन छोड़ के वहाँ जाएंगे और प्लांट्स को पानी दे के आएँगे, मेंटेन करेंगे, कटिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे और साफ़ सफाई का खास ध्यान रखेंगे. और आज अगर आप उस पार्क देखें मैक्सिमम रश होता है उस पार्क में, लोग वहाँ सैर भी करते हैं पार्क में, बैठते भी हैं, खेलते भी हैं, सब कुछ करते हैं. सर इसी पॉइंट के ऊपर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो कथनी और करनी इन इसमें भेद ना हो, इसके लिए राकेश जी ने बहुत खूबसूरत एक मुहिम छेड़ी जिसके तहत उन्होंने सेंट टेरेसा स्कूल गाज़ियाबाद उसके 475 स्टूडेंट्स को अपनाया, अडॉप्ट किया, जिनके यूनिफॉर्म, किताबें और इवन यहाँ की जो टीचर्स हैं उस स्कूल के अंदर वो भी इनके यहीं पे टीचर्स के द्वारा ट्रेन की जाती हैं. सो ये एक जो सोसाइटी से राकेश ने लिया उसी तरीके से उनको वापस कर रहे हैं, ये इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है. इसके साथ साथ सर उपलब्धियाँ इतनी हैं कि हम लोग शायद सारा दिन बैठे रहें तब भी ख़त्म ना हो, लेकिन एक आपने एनजीओ को भी सर मौका दे रखा है आपके स्कूल के अंदर आने का. हाँ जी, हाँ जी, उसका नाम गूंज है. हाँ जी वो भी है. उसके अलावा उससे पहले बता दें कि हमारी एक और एनजीओ है अपने चैरिटेबल फाउंडेशन जी, उसमें क्या करते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हर बच्चे को हमारे जो बर्थडे जो सेलिब्रेट करते हैं उनको कहा कि अपने स्वीट शेयर करनी है डब्ल्यू एच चिल्ड्रन के साथ, ये उन्हीं के लिए एनजीओ बनाई हुई है. आज अगर आप देखेंगे कि ठीक है आज गवर्नमेंट ने भी चलाया हुआ है राइट टू एजुकेशन आरटी एक्ट बनाया है सब कुछ, जिसमें आप उनको जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है उनको आप प्रॉपर एजुकेशन दे सकें, लेकिन उसमें कमी क्या है कि जिनको एजुकेशन मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल रही है. हमें कहाँ ज़रूरत है आज की डेट में, अगर कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पर देखेंगे कि जितने भी लेबर क्लास वहाँ काम कर रही है उनके बच्चे भी उनके साथ बैठे वहीं रेत में खेल रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं, ईंटें खेल रहे हैं, काम नहीं भी करते लेकिन खाली बैठे हैं वहाँ पर. तो हमने उन बच्चों को पकड़ा, हमने एक टीचर पूरी डेडिकेट की इसी काम के लिए, वो बस लेके जाती हैं सुबह और जितने भी साइट्स हैं जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ पे लेबर क्लास के बच्चों को लेके आती हैं, अपने स्कूल में पूरा दिन उनको करती हैं, उनको हम फ्री एजुकेशन देते हैं. अच्छा, मीन फ्री एजुकेशन मीन फ्री यूनिफॉर्म देते हैं, फ्री मील प्रोवाइड करते हैं अपने स्कूल में ही, फ्री बुक्स देते हैं और उनको इवन हमने कंप्यूटर की एजुकेशन तक भी दी हुई है, चाहे उनको पता नहीं कंप्यूटर क्या है क्या नहीं है लेकिन उसको बिठाना शुरू किया जी, जी. कम से कम एक साल उनको अपने स्कूल में कराते हैं और हमारा एम रहता है कि पूरे साल तो हम अपने स्कूल में कर नहीं सकते, उनको हम इतना उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर देते हैं बच्चों के अंदर एजुकेशन का कि उनको लगता है कि अब हमें पढ़ना चाहिए जी. पहले तो आप जबरदस्ती आते थे फिर अब खुशी खुशी आते हैं हम लोग, फिर उनको हम जो पास में जो भी गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पे गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन दे रही है वहाँ पे उनकी एडमिशन कराते हैं. और उसके इतना ही नहीं, उसके बाद टीचर जाके हर दो तीन महीने में जाके देखेगी कि वो बच्चा आ रहा है या नहीं आ रहा है, पढ़ रहा है तो नहीं पढ़ रहा है या क्या एजुकेशन है उसका,
ये सारा कुछ काम भी करते हैं। कितना खूबसूरती से आप सोसाइटी को ठीक तरीके से केयर कर रहे हैं, उतना ही दे रहे हैं जितना आप वापस दे रहे हैं, बल्कि ज़्यादा दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और गूंज एनजीओ से जो है वो इनके स्कूल में आती है, और जो भी पुराने कपड़े होते हैं या कोई भी ऐसी वस्तु, स्टूडेंट देते हैं अपने, ये प्रोडक्ट कलेक्ट करके उसमें बॉक्स रखा हुआ है उसके अंदर देते हैं, और कम से कम मेरे ख्याल जब भी आते हैं फुल ट्रक लोड का जाता है, लोड ऑफ ट्रक जाता है और वहाँ से लेके जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि किस तरीके से एक एग्जांपल सेट कर रही है DLF फाउंडेशन जो है, कि किस तरीके से सोसाइटी को एक अगर स्तंभ बनना है सोसाइटी के अंदर, एक ऐसा पहचान चिन्ह बनना है जिसको लोग फॉलो कर सकें, तो एक एग्जांपल सेट करते हुए किस तरीके से अपने करिकुलम के अंदर यही चीज़ें खूबसूरती से जोड़ी हुई हैं DLF स्कूल ने। ऐसा स्कूल जो कि सोसाइटी को इतना दे रहा है, और उस स्कूल की उस स्कूल के स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स ना हो, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उनकी अचीवमेंट्स के बारे में हम लोग कुछ अंश ही यहाँ इकट्ठा कर पाए हैं, बाकी का खुलासा राकेश जी से हम लोग ले लेंगे। मैं कुछ चीज़ें तो पढ़ देता हूँ और कुछ राकेश जी से गुजारिश करूँगा वो बताएंगे। 2 से 3 स्टैंडर्ड्स NTSC स्टूडेंट्स के जो हैं वो ये अवार्ड है, मतलब एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड है जो हर स्कूल से, शायद कई स्कूल से तो नहीं भी आते, और बहुत कम स्टूडेंट मतलब स्कूलों से आते, बहुत टफ माना जाता है, और मतलब हाईएस्ट एक तरह से एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड है। हर साल हमारे 2 या 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं और जिनको स्कॉलरशिप मिलती है। 2015 में दिल्ली का दिल्ली सम्मान गौरव भी आपको शायद, प्लस हमें जो दिल्ली गौरव सम्मान अवार्ड मिला 2015 में, जो कि अपना विज्ञान भवन में सेलिब्रेट होता है वहाँ पर दिया गया था। उसके अलावा जो हमारी प्रिंसिपल हैं सीमा जयरथ जी, उनको नेशनल अवार्ड मिला था जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं टीचर्स डे पे। अच्छा, ये भी 2012 में मिला था। साथ ही 2013 में हमें हमारी जो स्कूल की प्रिंसिपल है उन्हीं को एक और अवार्ड मिला था, जिसको आप कह सकते हैं कि लोक मनी लोक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2013 में मिला था। इसके अलावा हमारे स्कूल को अवार्ड मिले हैं, लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन हाँ, कुछ है कि है जो मैं अवार्ड भी शायद आप लोगों ने हमारे स्कूल के पिछले 5 सालों में, जो हमारे स्कूल जो हमारा योगा की टीम है पूरे इंडिया में नंबर 1 टीम है जी हमारी। अरे वाह। और वो पिछले 5 साल में वर्ल्ड योगा कप होता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जी, वो वहाँ से गोल्ड अवार्ड इंडिया को दिला रही है हमारे स्कूल की टीम। तो सर मोदी साहब से इन बच्चों का आपका मिलान लेने जा रहे हैं वो भी योगा के बहुत बड़े फैन, कोशिश करें कि अपने हमारे स्कूल में ही अगर आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उनको मिलवाएंगे उनसे ज़रूर। बिल्कुल, हमारी यही उम्मीद रहेगी कि इस इंटरव्यू को हम लोग जितना ज़्यादा फैला सकें और जितना ज़्यादा लोगों को दिखा सकें, शायद हो सकता है कि मोदी साहब भी इस इंटरव्यू को देखें और एक पहचान करें ऐसे एक स्कूल की जो दिल्ली के केंद्र में रहकर इतना बढ़िया व्यवस्था के साथ काम कर रहा है। और दोस्तों, इस इंटरव्यू से हम लोगों ने सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश करी है कि सोसाइटी को हम लोग जिस तरीके से अपनाते हैं, चाहते हैं कि सोसाइटी हमारे को दे, उसी तरीके से पहले हमारे को ये करना होगा कि हम जितनी हमारी उपलब्धियाँ हैं हमारी क्षमता अनुसार हम सोसाइटी को उतना ही वापस भी कर सकें। राकेश खुल्लर जी से इतने खूबसूरत विचारों के साथ हम लोगों ने एक वार्तालाप करी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और राकेश जी, इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी अच्छी बातें हमारे को बताई। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी।